Telangana is voting on the 13th. We are in Hyderabad. Let us speak to the locals here. भैया आपका नाम? महेंद्र. महेंद्र जी आप यहाँ पे वोटर हैं? हाँ. सिद्धिपेट में. अच्छा, ये बताइए क्या लगता है कौन जीतेगा? तो बीजेपी. अच्छा. अच्छा. क्यों लगता है? ऐसा लगता है मैडम, बीजेपी. कोई कारण है? बीजेपी आता बोल का हमारे को वही है. अच्छा, बोल के. आप ये यूज करते कब से यूज कर रहे हैं? कौन सा है ये? ये डिजिटल पेमेंट. 5-6 साल हो गए. 5-6 साल से यूज कर रहे हैं. तो आसानी होता है इससे? अच्छा है मैडम. अच्छा है. लोग फटाफट पेमेंट करके जाते हैं. पेमेंट हो जाता है, चिल्लर का जरूरत नहीं है. पेमेंट जल्दी हो जाता है. तो इससे ये भी मोदी सरकार का लाया हुआ था, पता है क्या है? We can see some more people here. An aged couple is here. Let us have a word with them and let's see what they have to say. Sir, ma'am, just one second. Can I have 30 seconds of yours? Sir, ma'am, elections are happening across the country. General elections once again. Who do you think is winning this time? वो तो जो public जिसको चुना के देंगी वो आएंगे. अपना मर्जी थोड़ी काम में आती है आपकी. पर दिल में आप अगर देखते चीजों को तो क्या क्या देखते? अच्छा अच्छा नेता होना, सॉलिड नेता होना और देश को संभाल सकना, वैसा नेता चाहिए. आप लोग क्या देख रहे हो जब आप वोट करने जाते हो एक नेता में? देश का जो प्रधानमंत्री बनेगा क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो अच्छा नेता रहना? भ्रष्टाचार नहीं करने वाला होना, देश के प्रति वफादार रहना और उसकी श्रद्धा रहना देश के अंदर. आपको लगता है अभी क्या होने वाला है? हाँ, अभी अच्छा इलेक्शन होने वाला है और इंडिया का भविष्य एकदम अच्छा है, बढ़िया भविष्य है और अच्छा होगा. सही चल रही है चीज़ें? किसी चीज़ों से प्रॉब्लम है कुछ है? नहीं, प्रॉब्लम तो अब ऐसा इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो चलते रहेंगी. देखो ये राम राज्य भी आ गया ना तो भी प्रॉब्लम चलेंगी. सर आपका नाम? महेश्वर हरपाल. महेश्वर हरपाल. अच्छा महेश्वर जी, ये बताइए कि देश में चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में 13th को है, क्या लगता है कौन जीतेगा देश का चुनाव? देश का चुनाव है तो मोदी जी जीतेंगे जैसा लग रहा है, ऐसा बिलीफ है. और जैसे बोले तो देश को डेवलपमेंट किए हैं तो मोदी जी ही आना चाहिए इस बार. क्या बात है जो अच्छी लगी है पिछले 10 सालों में? ऐसा क्या हुआ है हमें बताना चाहोगे आप कि जिस कारण से आप चूज कर रहे हो? देखिए कि जो हमारा ये बैचलर को अच्छा लाइन दिए उन्होंने, वो बुढ़ापे लोगों को अच्छा सुविधा दिए हैं, जो गरीब हैं मिडिल क्लास फैमिली को अच्छा अच्छा सुविधा दिए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मोदी जी आए. तो आपको लग रहा है कि सुविधाएं मिली हैं लोगों को, फ़ायदा हुआ है? 100% मिला है मैडम. डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ 100% हो रहा. लेकिन जो दूसरा सोच के लोग हैं वो लोग अच्छा से नहीं सोच पा रहे हैं ये मोदी जी क्या कर सकते हैं बोल के. वो लोग ही नहीं चाहेंगे कि मोदी जी आए, लेकिन मेरे हिसाब से तो मोदी जी आने में हमारा देश का बहुत डेवलपमेंट होगा. डेवलपमेंट होगा आने वाले टाइम पे? आपको लगता है भारत आगे बढ़ेगा? 100% आगे बढ़ेगा. इलेक्शन सीजन इज ऑन, हु डू यू थिंक किसका चांस ज़्यादा है, कौन जीतेगा? मोदी. वाय? अच्छा है ना, वो मेन मोदी है ना, प्रधान मोदी आना कंपलसरी. क्या काम किया मोदी जो अच्छा लगा आपको? वो पूरा काम किया ना, अच्छा किया ना पूरा है. इंडिया अच्छा है, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना हो गए, मेड इन इंडिया आ गया ना. वो मोदी है, पूरा डेवलपमेंट है, अच्छा है पूरा इंडिया, अच्छा है, कुछ भी नहीं है, धूमधाम नहीं है, फुल अच्छा हो गया ना. सेफ्टी है? हमको यहाँ पे पता चला था 2013 में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हैदराबाद में, तब से अभी तक 2024 तक नहीं है ना. 2013 से 2024 तक कुछ भी नहीं है. वो लास्ट था. इंडिया अच्छा है, फुल GST आया, बिजनेस वाले को अच्छा हो गए,
फुल सिक्योरिटी है ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन है। पवन जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं? या हैदराबाद मेरा। अच्छा, आप हम कितने साल से? 28 इयर्स। ऑलराइट, सो 28 इयर्स से आप यहाँ के निवासी हैं। ये बताइए, आप जब वोट डालने जाते हैं आप क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं, क्या हो? एंड दिस इज़ रिगार्डिंग जनरल इलेक्शंस, जिसमें देश के लिए लाइक यू आर डिसाइडिंग हु द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू बी, व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू लुक एट? प्राइम मिनिस्टर तो देखो, मैं आज तक जितना भी प्राइम मिनिस्टर देखा, मोदी इतना अच्छा इंसान को मैं किधर भी नहीं देखा। ही इज़ रियली गुड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया एंड रियली प्राउड टू बीइंग दैट प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि सामान्य व्यक्ति के बारे में पहले सोचेगा उन्हें। बहुत लोग बहुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हों मतम का बोलते ना, कैस्ट के बारे में ज़्यादा ये करते, उनका पार्टी वाले ऐसा करते वैसा करते, वो सब क्या है बोले तो जस्ट पब्लिक को बहनाने का चीज़ है। कैश, क्या आप ये बोल रहे हो जो कैश देने वाली बात करते हैं कि कास्ट? ओके कास्ट के इश्यूज, तो लोगों को बांटने के लिए कास्ट? ऐसा नहीं है। कास्ट इज क्या है, हर एक का बहुत सारे कास्ट है। और इंडिया इज फेमस फॉर क्या है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है। और मोदी जी वो रिस्पेक्ट करता है, उनके हाथ में भी नहीं है कि मल्टी रिलीजियस को चले जाने के लिए। उनका क्या है, सामान्य व्यक्ति के लिए पहले सोचेगा। एज पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो मोदी इज द परफेक्ट। जब से इंडिया में मोदी जी आए ना, किधर तो बॉम्ब ब्लास्ट आप देखे अभी तक? बॉम्ब ब्लास्टर्स मतलब ये 5 ईयर्स लास्ट फेयर, पहले 5 ईयर्स बोले तो मोदी को बहुत सारे टारगेट्स हुआ, क्योंकि उन्होंने कैसा बन गया ऐसा बोल के टारगेट करे। उसके बाद उन्होंने कैसा चैलेंज फेस किया, अगर मेरे सामने कोई आया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब कितने लोग डर रहे हैं उनको देख के। सो क्यों डरते हैं, डर के भी कुछ लोग गलत फैलाने वाले रहते हैं। कांग्रेस का बारे में बोलता हूँ, कांग्रेस तो कैसा रहता है, वो पीपुल्स पार्टी है, वो हमेशा पीपुल्स के पास सोचता है, लेकिन क्या है ना, करप्शन बोलते हैं ना, वो ज़्यादा क्रिएट हुआ जब से मोदी जी आए। अभी क्या है, डिजिटल इंडिया बहुत फेमस हुआ, आजकल हर एक के पास अकाउंट में पैसे मेरे अकाउंट है बोल के एक डायरी से जीरो बोलते हैं, उसका कारण कौन है? मोदी जी आने के बाद ही से, पहले कैसा था, अगर इंसान कमा रहा है तो उसके पास 500 का नोट है, कैश लेके कैश के लिए वो घर में रख के डर के जी रहा था। आज ऐसा नहीं है, कैश नहीं है ना। आज कैसा है आज जिंदगी, हर एक के पास गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, भारत पे है, पूरा है। सब कौन लेके आया है, इसका कार्य कौन है? मेन मोदी जी। कैश लेके चलते हो आप? कैश नहीं लेके जाते ना। ओके, सब जगह है पर मतलब जैसे कैश है, कैश का जरूरत कैश का रहता मैक्सिमम, जो मतलब बिना डर के अरे मेरे पास अकाउंट में पैसे है बोल के जैसे वाले रहते ना, उसके लिए जैसे अगर आपको यहाँ पे अभी ये पानी पूरी खाना पड़े तो उसके पास भी होगा कैश ना? नहीं, पेमेंट यूपीआई है ना, यूपीआई बोलने का चीज़ है ना हर एक का ने। ओके, इवन छोटा सा लींबू छोड़ा बेचता देखो, उनके पास भी रहता है यूपीआई। तो किसके पर आया वो बेस्ट ऑप्शन, वो जब क्रिएट किया बोल के तो आज सबको, हर एक सामान्य व्यक्ति को यूज़ हो रहा, उसको भी एक धैर्य है मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे। हाँ, अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हर एक में रहते हैं। डिसएडवांटेजेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया तो क्या हुआ था, नुकसान होता। एडवांटेजेस को देखना पड़ेगा और उसका हकदार जो हम पीपल है ना, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी मैं तेलंगाना का इलेक्शन के बारे में बोल सकता हूँ, KCR जो है ना रिसेंटली ही लॉस्ट एवरीथिंग ना, उनका वजह से उन्होंने हार गया। अगर वो सही से कुछ और अच्छा काम करते तो ना वही जीतता। रेवंत रेड्डी का पॉइंट्स रेजिंग हर एक चीज़ सही है, उनका काम नहीं हो रहा बोल के बोल दिया मुंह पे। पीपल भी हमारे तेलंगाना में कैसा वोट करते बोले तो देखते कैंडिडेट कैसा है, ही इज़ रियली एलिजिबल और नॉट, ही इज़ एबल टू डू और नॉट, ही इज़ कैपेबल टू डू और नॉट, यही सोचता है। यहाँ पर तेलंगाना में जो भी पर्सन जो भी है ना, मैं भी हूँ ना, अगर वो भी वोट डालेगा ना मेरा फ्रेंड, सोचता है यस आज ये पर्सन है, ये पर्सन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो उसको देखते हुए नहीं भेजिएगा। नाइस, सो अभी सिंस तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे BRS चुनाव में है, कांग्रेस है, और BJP है, ये 17 सीट्स के लिए। बीजेपी के लिए तो देखो है उनका पहले से, लेकिन कम है यहाँ पे तेलंगाना,
तो अभी उनका कैंपेन देख के क्या आपको लग रहा है कि वो थोड़ा चैलेंज मोड में आए हैं कि थोड़ा चैलेंज करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन है उनके पास 5 गारंटीज थी, आप थोड़ा बता सकते हो? कांग्रेस ने 5 गारंटीज स्टेट इलेक्शंस में दी थी, 6 गारंटीज है। रेवंत रेड्डी अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन उनका कहना कैसा है बोले तो इंडिया में आए तो इस इधर पॉसिबल हो पाएगा बोल के बोल रहा है, लेकिन वो तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर फिर भी अगर इन्होंने जीता इधर, अगर 14 सीट्स में से 10 भी जीत गया ना, तो कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा। 17 में से 10 भी अगर उनके पास मेजॉरिटी, कितना नंबर्स मैंने बोलूँगा, लेकिन मेजॉरिटी आया समझो, तो अगर वहाँ पे कैंडिडेट जाके उधर बैठना पड़ेगा ना राज्यसभा में, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कितना काम करेगा, क्या पूछा, क्या लेके आया। क्या आपको लग रहा है कि थोड़े तगड़े अच्छे कैंडिडेट इस बार उतारे हैं मैदान में कांग्रेस में? नहीं, अगर बीजेपी के कैंपेन, सिंस आपने बोला कि मोदी, तो आई एम रिलेटिंग इट विथ बीजेपी। बीजेपी तो देखो उनके पास हमेशा कैंडिडेट्स का, हमारे तेलंगाना में तो पक्का इशू रहता। अब एमएलए में भी देखे ना कितने जने आए, जस्ट 7 मेंबर्स। इसका मतलब समझ जाना इधर इज की कैंडिडेट्स नहीं है तेलंगाना में। इधर क्या है बोले तो बोला ना, इधर लोकल फीलिंग से बीआरएस, और बीआरएस से पहले इधर रूलिंग पार्टी जो था तेलंगाना में कांग्रेस ही था ज़्यादा। 10 इयर्स 15 इयर्स तक कांग्रेस था बोल के पब्लिक भी एक ऐसा सोचे थी कि कांग्रेस पब्लिक पे कभी भी रहता ना, ऐसा बोल के इधर डाल देते। बीजेपी का पॉइंट में बोला ना, कैस्ट का इधर थोड़ा रहता फीलिंग, मतलब फीलिंग बोले तो अरे कैस्ट के बारे में ऐसा है, और उनके पास कैंडिडेट भी ऐसे ही रहते कि वो नेगेटिव फैला जाता है। बाकी का नॉर्थ में पूरा अच्छा है, साउथ में भी इतना नहीं मालूम, लेकिन नॉर्थ के साइड पूरा बीजेपी का चलेगा, वही आएगा बीजेपी। मैं तो कहता हूँ अभी भी मोदी सरकार ही आए, आना है, 400 सीट मारना ही चाहिए। आप एक प्रोफेशनल हैं, डू यू फील कि आपका जिस सेक्टर में आप काम करते हो, जॉब करते हो, वो ग्रो करेगा अगर मोदी सरकार वापस आई? करेगा ना, पेटीएम में कर रहा हूँ मैं अब जॉब, पेटीएम। अच्छा, तो आप फाइनेंशियल, तभी आप उसकी बात कर रहे हैं। एक्सिस बैंक में काम करा मैं ऑलरेडी, सो इसलिए इसका नॉलेज मालूम है, बोलते मैं बोल रहा हूँ इतना परफेक्टली। और देखा जाए तो आने के बाद ही सब कुछ डेवलप हुआ, इससे पहले क्या था? एक बार आप सोचो 15 साल के पहले क्या था, इंसान के पास हाथ में पैसे रहते थे, क्या करना नहीं मालूम। आज इनके उनके पास अकाउंट में पैसे है, जो चाह रहे हो कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे बिजनेस ऑप्शन है, जॉब ऑप्शन से, मुद्रा लोन्स वगैरह अप्लाई करते हैं लोग, लेते हैं वो तो रिक्वायरमेंट पे। अच्छा, रिक्वायरमेंट उसके बारे में तो वो पर बढ़ा है लोगों का आना, मतलब सर्विसेज लेना, ये सब लेना इज बेस्ट ना। अभी इंडिया डेवलप हुआ बोलते, डेवलपमेंट बोलते क्या है बोलो, 10 साल के पहले कैसा था, 10 साल के पहले अभी कैसा है अपन, ये इम्पोर्टेंट है ना। नया नया मीडिया चैनल आ रहा है, क्यों आ रहा है, एक सोच बना के आ रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो इसलिए मैं मोदी का एज ए प्राइम मिनिस्टर का मैं फैन हूँ, पार्टी की तरफ से भी नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। पार्टी में वो क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं ना, वो हमेशा रहता, पॉलिटिक्स नहीं है तो हमारे इंडिया में कौन सा भी फील्ड ले लो, बिना पॉलिटिक्स नहीं चलता। ठीक है, ठीक है। आई थिंक दिस वॉज अ वेरी एनलाइटनिंग ओपिनियन बाई वन सच पर्सन हियर। ही शेयर्ड एवरीथिंग अबाउट डिजिटल इंक्लूजन, ही इज टॉकिंग अबाउट UPI, हाउ पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग, ही सीन द चेंजेस, एंड दैट इज वाई ही इज गिवन हिज रीजन वेरी इलाबोरेटली दैट ही इज सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर अगेन फॉर द थर्ड टर्म। लेट अस स्पीक टू मोर पीपल अलॉन्ग दिस बे एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट दे आर थिंकिंग।